बोलिए 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 वो कौन है क्या कर रहा है यार? पहली बार ये बड़े बेटे हैं। अच्छा उसका इधर देख बेटा 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 ऐसा उठ क्या कर रहा है बेटा? ये कौन है? फोटो लेने का टाइम है क्या? चलेगा ले ले। सर बोलिए बोलिए क्या बोल? कौन चिल्ला रहा है यार? दोनों बेटे छोटे हैं और अभी बड़े। क्या है कब्रिस्तान इधर इधर देख। 230 तो क्या से निकल रहा है? घर से। अरे यार थैंक यू हो गया बाय। आप देखिए उनके साथ में काफी अच्छा पहचान है और काम भी आप बॉलीवुड में करते हैं, तो इसके बारे में कोई अपना अनुभव देंगे सर? और आज के भैया मैंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बिल्कुल टक्कर की काम करता था, इतना बड़ा चाहे स्टार नहीं था, और उससे कहीं ज्यादा बेहतर आदमी प्यार से मोहब्बत से भाई 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 करते करते उम्र नहीं दिया ऐसी नापड़ा बीमारी हुई अचानक जाना पड़ा, उसका बेहद अफसोस रहेगा। याद करते रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे, हर बार डॉक्टर वाले से दुआ करते रहेंगे। Thank you.
ओ रे यारे तेरी माँ Yes, I'm ready. Yes, exactly. You want me to stay for the picture? Wo milega. To namo ne bola junior ji ne ki Tina ko kandhe pe utha ke apko leke jayenge stage pe nashte nashte. Amar unke brother the, unhone mujhe kandhe pe uthaya, wo leke gaye. Mujhe itne acche se namo bhai ne present kiya. I mean, koi itna nek aadmi ki nahi yaar, nahi nahi abhi aayi industry mein, nahi nahi isko star banana hai shows ka. तो मैं जब परसों भी मिलने आई तो उन्होंने दोनों हाथ आगे कर दिए जबकि होश नहीं था, दोनों हाथ इसलिए कि मुझे गले लगा। इतना दिल दुखता है ये सब सोच की और सब कर की। तो समय है, वक्त घर पे आता है, लेकिन जिस तरह से इन पे आया है वो बड़ा दुखद है, बिकॉज इतना नेक फरिश्ता इंसान अब 15 दिन के, महज 15 दिन के अंदर वो आती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत दुख हुआ, उसने खेलते थे जब साथ में पहली फिल्म मैंने हमारी अपने साथ में था, अपना समर्थन किया एड्रेस ले लो। लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे हमने एक भाई को खोया और बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में नहीं। अगर बात करें तो उनके काम करने की तरीके में किस तरीके से वो अपने फील्ड में अपने तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कुछ जोश है बच्चों? इन्होंने बहुत काम किया, हर स्टार के साथ इन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने फिल्में बनाई, हिंदी फिल्म बनाई, उसके बाद मराठी फिल्में उन्होंने बनाई, तो उस पर कोई ज़्यादा फिल्में चली नहीं और कोई ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं बनाए, पैसे आपने डाले शान लड़ते रहे लेकिन फिर भी यहाँ तक के वो बीमार पड़े ना, अभी एक महीने से पता चला, बस धीरे तब तक का वो शो कर रहे थे, शो चलता रहा, बहुत मेहनती थे, अपने शो का काम कुछ ना कुछ करते ही रहे। आप हॉस्पिटल में भी गए थे उनसे मिलने, क्या कुछ बात की थी उन्होंने आपसे?
और तुम लोग मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी, क्योंकि थे भाई से सलामत करती थी, सलाम भाई शादी रहते थे थोड़ी बड़ी दिक्कत थी, और उनसे मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया करता था, फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी रोज़ रोज़ हर टाइम पर, हर 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 पाँच दस मिनट, और वैसे भी रोज़ हमसे बात होती थी, तो ऐसा रिलेशन था। और मे गॉड ब्लेस हिज सोल। उसका नहीं मिला था भाई, बैठ लेगा, ले अभी बैठ ले। बस बस हो गया, आज नहीं कल बोलेंगे। भाई इंडस्ट्री का बाल कलाकार से कैसे? एक एक मिनट रुकिए। रियल बाल कलाकार से घर घर में अपनी जगह बनाई थी, तो हर घर से हर घर को उन्होंने हंसाया था, और कहानी घर घर की में तो बाकायदा उन्होंने पूरे परिवार के लिए मैसेज भेजा था। तो मुझे लगता है ये घर घर का नुकसान है, घर का ही बच्चा जो हंसाने वाला बच्चा है, क्योंकि जूनियर महमूद नाम था उनका, वो तो कभी सीनियर को लोगों ने समझा ही नहीं, कभी बड़ा समझा ही नहीं, बच्चा ही समझा। तो जूनियर महमूद साहब जो हमारे आज हमारे बीच में नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन काम तो उनका हमेशा महान है, हमारे उस्ताद हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, और मालिक आज जहाँ भी उनको रखे, क्योंकि दुनिया को बहुत हंसाया है, उन्हें भी हंसता हुआ रखे, यही दुआ। थैंक यू सर। सर रुके ना, बैठ सर। सर भाई हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई, फेमस एक्टर, स्टार्स के साथ उनके साथ स्क्रीन शेयर करके उन्होंने नाम कमाया, और एक ही चाइल्ड आर्टिस्ट थे उस ज़माने में जो किसी बड़े कलाकार के साथ फिल्म में छा लेते थे। बहुत इंस्पायर हुए हैं, बहुत अभी कुछ ही दिनों पहले मिले थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, और ऊपर वाले ने बहुत जल्दी उनको बुलाया, वहाँ भी रहे हैं, परिवार को बच्चों को। थैंक यू सर।
है बोलो ना। आदित्य सर, सर इकड़े आदित्य सर, आदित्य सर वेट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य सर आदित्य सर, अपने आप सब चालू जनता भाई क्या कहना चाहिए ऐसे करना तेरा करा उसका करने का तेरे को बोल फटाफट बोल अरे क्वेश्चन नहीं पूछना तो कहाँ से ऐसा तेरे को मतलब क्या सर आप क्या बोलना चाहेंगे इतना चलो चलो बाहर चलो आजा चलो बाहर चलो एक बाइट कर लेते छोटा सा ऊपर का सर।